लड़ाई है। आप कैसे जानते? आदिवासियों का एक मालिकाना हक है, एक पहचान है, लेकिन नहीं रहता और न्याय का व्यवस्था रहता, ये सामाजिक अन्याय का नारा है। अगर ये नारा सामाजिक न्याय का होता तो आज हमको गांव से चलकर 2000 किलोमीटर से देश की राजधानी दिल्ली आने का जरूरत नहीं पड़ता। कर रहा हूँ, भारत का 40% खनिज संपदा कुर्मी मतो समाज के जमीन में है, जो कि पूरा भारत विकास का रोशन है, और हमें ही तिरस्कृत किया जा रहा है, हमें ही पैरों तले कुचला जा रहा है, ये नहीं होने देंगे। और अगर शहादत देना पड़े, बलिदान देना पड़े, गोली खाना पड़े, हर वो चीज करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया, और इस समय मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। तमाम आदिवासी लोग इस समय जंतर मंतर पे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी भीड़ है यहाँ पर, कई हज़ारों में यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। आखिर मुद्दा क्या है और किस लिए उन्होंने दिल्ली घेरी है? मैं एशिया का सबसे बड़ा कोयल माइंस पिपरवार क्षेत्र खलारी से हूँ, मेरा नाम दीपक महतो है, और आज हम लोग यहाँ पे अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए आए हुए हैं। हम लोगों का आज यह जो हुड़का जाम जो संसद भवन के समीप है जंतर मंतर में, हम लोग झारखंडी भाषा में हुड़का जाम का मतलब होता है कि दरवाजा का बेड़ी लगा देना, यह होता है हम लोग हुड़का जाम का मतलब। हम यह अपना मेरा भाषा है, उस भाषा से है। हम लोग आज देश आज़ाद होने से पहले से हम लोगों को आदिवासी थे और अभी भी आदिवासी हैं हम लोग, पर अभी अनुसूचित जनजाति के सूची में हम लोग को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग के तहत षड्यंत्र क्यों रचा गया, क्योंकि हम लोग झारखंड में 24% एकल जाति हैं, और एकल जाति का चांडिल डैम देख लीजिए, बहुत बड़ा डैम है, वह डैम में पूरा जमीन महतो लोगों का है। पतरातु फिल्म सिटी जो डैम आप देख रहे हैं, वह डैम भी आपको पूरा कुर्मी लोगों का है। आप धनबाद चले जाइए जहाँ बड़ा कोयल माइंस है, वह पूरा कुर्मी जाति का है। अगर हमें अनुसूचित जनजाति में रखते हैं ये लोग, तो हमारे ज़मीन को ये लोग हड़प नहीं पाता। आज हम लोग ऐसा शतरंज के तहत निकाल करके हम लोगों का ज़मीन को हड़पने का काम किया गया, क्योंकि हमारे ज़मीन झारखंड में इतना ज़्यादा है कि उसके वजह से जहाँ जहाँ फैक्ट्री, आपका टाटा पे भी जाके देखिए, जो टाटा सबसे बड़ा फैक्ट्री बैठी है हुए है, वह अभी हम ही लोग का जमीन पे, पूरा कुर्मी लोग का जमीन में। आज 40% जो खनिज संपदा है उसमें 50% कुर्मियों का सालों से जो है हम लोग को इस तरह का काट के और हम लोग को एक अलग सूची में रखा गया, और जिसके कारण हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, और काफ़ी वर्षों से संघर्ष करते हुए हम लोग दिल्ली तक आना पड़ा। क्या क्या मतलब परेशानियाँ आप लोगों को सामने करने पड़ती हैं? परेशानी है, शिक्षा में है, आरक्षण नीति में है, बहुत तरह का राजनीतिक मुद्दा है, और आज तक हम लोग इतना सालों से इतना पीछे पड़े हुए हैं और इतना पीछे हैं अभी तक। तो जो आप लोगों इतनी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, क्या लग रहा है कि कुछ होने वाला है, सरकार सुनेगी आपकी मांग को? सुनना तो पड़ेगा, आप देखे होंगे कि भाई किसान आंदोलन जो हुआ है ना, किसान आंदोलन से सरकार को बैकफुट माना पड़ा, वो विधेयक को वापस लेना पड़ा। तो आंदोलन में तो इतनी ताकत है, जो महात्मा गांधी जी ने हमने अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया है हमें आंदोलन का, जो संवैधानिक तरीके से है, हम संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आत्मविश्वास है समाज का भी, कई अगुआगण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और कई जो समाज के अगुआ हैं जो अभी अपने अपना संबोधन कर रहे थे, तो निश्चित रूप से बड़े चीज़ों को आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया है, और हम लोग सब लोगों का आत्मविश्वास है कि जिस मांग को लेकर हम लोग आज आंदोलनरत हैं वो निश्चित रूप से बहुत जल्द पूरा होगा। हमारी वेशभूषा, हमारी खान पान, हम पहनावा, हम हमारे गांव के रहन सहन, वेशभूषा, हम प्रकृति पूजक है, हम घर में मुर्गी पूजा करते हैं, हमारे गांव ग्राम की पूजा करते हैं, गाँव देवती की पूजा करते हैं, है ना। हमारे जितने भी हमारे जो लिस्ट में हैं, हमारे लिस्ट में 1913 से लेकर 1931 से लेकर हमने आदिम जाति में थे, आदिम जनजाति की लिस्ट में थे, हमारी पहचान छिपी हुई है, हम अपनी पहचान के लिए ही आज तक लड़ रहे हैं और लड़ता ही रहूँगा आज तक। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारी जो अभी वर्तमान जितने अभी अतिथि लोग आए हुए हैं, जितने यहाँ आंदोलनकारी लोग आए, जो निर्णय होगा उस निर्णय में हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारी प्रॉब्लम सरकार की, आपने कहा कि ठीक है प्रकृतिक लॉ, प्रकृति जो नेचर है वो आप करते हैं, प्रकृति को पूछते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है उसको ओबीसी में डाल दिया है, तो ओबीसी में होने से आपको क्या दिक्कत हो रही है? ओबीसी में देखिए, हमको तो छल कपट के साथ हमें ओबीसी लिस्ट में रखा है,
हमें ओबीसी का भी लाभ नहीं मिल रहा है। हम उस राज्य पे 24% है, हमें आरक्षण कितनी मिल रही है 14%, 14% में हम 52 जाति हैं, ठीक है, 52 जाति में भी हमारी वो अधिकार नहीं मिल रही है। उस राज्य में जितने तरह के आदिवासी सभी सारे लोग हैं, वो लोग 26% है, वो लोग 28% आरक्षण मिल रहा है। हम ओबीसी 58% है और 28% आरक्षण मिल रहा है। हम कुर्मी अकेले उसमें उस राज्य में 24% है, हमारे आरक्षण नीति नहीं मिल रही है, हमें लाभ नहीं मिल रही है वहाँ, उसमें भी हमें ठगी जा रही है, उसमें भी हमको ठगा जा रहा है। तो हमारी जो पहचान है, हम उस पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब जो आप पहले थे वही उसी कैटेगरी में आपको डाल दिया है। हमें उसी अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में हमें लिस्टेड किया जाए। आपको क्या लगता है सरकार जो कर रही है आप लोगों के साथ जिसे इतने साल भी, क्या आपको लगता है कि सरकार आपके साथ न्याय नहीं कर रही? देखिए, जिस सरकार 2004 में आपने सुना होगा, देखा होगा, इसका हमारे पास है अभी, उस वक्त की वर्तमान सरकार अर्जुन मुंडा जी थे, उन्होंने हमें आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा था। परंतु किस्मत देखिए, आज उसी मुख्यमंत्री ने उसी मंत्रालय जनजाति मंत्रालय की मंत्री हैं और आज हमें शामिल करने माना का नहीं कर रहे हैं। अपनी ही चिट्ठी को ये असत्य नहीं मान रहे हैं, ये तो दोगलापन है। उस अर्जुन मुंडा के दोगलापन है कि जो आज तक हम लोगों के जो चिट्ठी वो खुद लिखा, उस चिट्ठी को खुद नहीं मान रहा है। हम उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? अर्जुन मुंडा दोगला है इसका मतलब। तो क्या लग रहा है, ये आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको लगता है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? हम लोग को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो झारखंड में चक्का जाम कर देंगे, रेल रोक देंगे, आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे और देश को तहस नहस कर देंगे। हमारे राज्य से 40% संसाधन यहाँ आती है, पूरे देश को सप्लाई करते हैं, यूरेनियम, सोना, चांदी, सभी तरह का हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं और सिर्फ कुर्मियों के जमीन पे उपलब्ध है। ये नहीं कि अहरू गहरू नत्थु खैरू के जमीन पे नहीं, सिर्फ कुर्मियों के जमीन पे 40% संपदा हमारे पास है। हम जिस दिन बंद कर देंगे, उस दिन तो उसकी तरक्की देश की दिया बुझ जाएगी। तरक्की क्या, जातिवाद कर रहे हैं आप? जातिवाद, अरे हम अब जिस जाति से, हम उस जाति की तो बात करेंगे ही, हम जिससे हैं उससे तो बात करेंगे ही। एक नाली के कीड़े को अगर जैसे नाली से बाहर निकाल जाए तो मर जाता है, उसी तरह हम लोग को नाली से निकाल के फेंक दिया गया है उस समय की वर्तमान सरकार ने। इसलिए हमने कह रहा है, हमें जो हम जिस रास्ते पे थे, हम जहाँ थे वहीं पर हमें रहने दिया जाए। तो अभी क्या लग रहा है, मेमोरेंडम वगैरह आप लेकर गए होंगे तो क्या आश्वासन, क्या आश्वासन मिलने की उम्मीद है? अभी आश्वासन तो देखिए, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, हमारे एक खरसावां जिले की छुटनी महतो जी थी, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। राष्ट्रपति महोदया ने साफ साफ लिखा था कि झारखंड की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पुरस्कार, जब वो कुर्मी परिवार की थी, उसे आदिवासी। तो राष्ट्रपति महोदया से आशा और उम्मीद है कि हमारी मांग को वो जरूर मानेंगी। Thank you.